जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे मुझे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ऐसे ना रुकने वाले, अपने तारों से देश का नाम रोशन करने वाले मेजर गौरव आर्य सर को मैं आग्रह करूँगा कि वो आज वक्ता के रूप में आज अपना उद्बोधन दें। जयंत, दोस्तों इसके पहले मैं शुरू करूं आज आपको ये बताना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे और कौन सी बातें आपसे शेयर करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि जय हिंद सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं है, जय हिंद एक गारंटी है। जय हिंद मतलब भारत की विजय होगी। और इस गारंटी के पीछे बहुत खून खराबा है, तो कुछ कहानी उस खून खराबे की, कुछ कहानी उस बलिदान की। और भारत कल, आज और कल जय हिंद से कैसे जुड़ा है, मुझे लगता है कि यह जानना बहुत आवश्यक है। अगर हम बात करें भारतीय सेना की, तो मैं आपको ले चलूंगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत पर राज कर रही थी, कंपनी भारत के ऊपर राज कर रही थी। आप सोचिए, कंपनी, एक प्राइवेट एंटरप्राइज भारतवर्ष के ऊपर राज कर रहा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले कुछ ट्रूप्स यानी कि कुछ सैनिक तैयार करे। 1857 जो हमारी स्वतंत्रता का पहला संग्राम था, पहली लड़ाई थी, उसके बाद अंग्रेजों ने बोला कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को नहीं चलाएगी डायरेक्टली। जो राजा हैं, किंग हैं ब्रिटेन के, वो चलाएंगे। तो वहां से ब्रिटिश इंडियन आर्मी का जन्म होता है और ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कई जगह लड़ाइयां हुई। ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी। आपने केसरी फिल्म देखी होगी ना, वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। केसरी, इन्होंने मेसोपोटामिया में लड़ाई लड़ी, इन्होंने यूरोप में लड़ाई लड़ी, इन्होंने नॉर्थ अफ्रीका, बर्मा, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहां पे भारतीयों ने खून नहीं बहाया। एक जगह हाइफा इसराइल में, हाइफा पोर्ट बड़ा मशहूर है, वहां पे बैटल ऑफ हाइफा हुई थी। तो दोस्तों, ये जब हम बात करते हैं भारतीय सेना की, तो भारतीय सेना का जो कल है और जो भारतीय सेना का आज है, वो जुड़ा हुआ है। भारतीय सेना में कहा जाता है नाम नमक निशान, और ये जो नाम नमक निशान है, ये है क्या, ये समझने की जरूरत है। क्यों एक फौजी -25 -30 डिग्री में खड़ी चढ़ाई में अंधेरे में दुश्मन के ऊपर हमला कर देता है रात को? अगर हम में से किसी को यह गलत फहमी है कि वो 45-50 हजार रुपए मासिक वेतन के लिए करता है, तो आप किसी को बुला के बोल दीजिए कि भाई साहब, हम आपको 2 करोड़ रुपए महीने का देंगे, आप चढ़ जाओ कारगिल पे। ऐसा संभव नहीं है। तो क्यों करता है ऐसा? उसके साथ जुड़ा है भारत कल, आज और कल। जब आप एक 20 साल के लड़के को यह बोलेंगे कि तुम्हारे ऊपर पूरी देश की रक्षा का दायित्व है, आप समझिए उसके ऊपर जिम्मेदारी की क्या भावना होगी। जब आप एक 20 साल के लड़के को यह बोलेंगे कि बेटा, आप यू हैव टू डिफेंड इंडिया, ये बहुत बड़ी बात है। कल जो हमारे पास हथियार थे, आज जो हमारे पास हथियार हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। एक जमाने में हमारे पास 303 ली एनफील्ड हुआ करती थी, आपने देखा होगा, बोल्ट एक्शन, ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंडियन आर्मी उससे लड़ती थी। आज इंडियन आर्मी के पास AK-47 है, इंडियन आर्मी के पास बोफोर्स है, धनुष है, आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि, ऐसे ऐसे हथियारों से भारतीय सेना लैस है कि बटन दबाइए और 8000 किलोमीटर दूर पूरा का पूरा शहर झुलस जाएगा। ऐसे हथियार हैं।
ये भी कहना बहुत गलत है जो हम लोग अक्सर, और मैं माफी चाहूंगा, मेरे बड़े यहाँ पे बड़े बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, सीनियर बैठे हैं, जो हम लोग अक्सर अपने बच्चों को बताते हैं, ये गलत है। हम लोग कहते हैं भारत ने कभी किसी पे हमला नहीं करा, भारत ने खूब हमला करा है और बहुत अच्छा हमला करा है। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पे भारत ने हमला करा है। आपको ये बात पता होगी कि महाराजा रंजीत सिंह ने काबुल के किले पे खालसा फौज का परचम लहराया था, पता है ना आपको। डोगरा सेनाएं तिब्बत गई थी, चोल साम्राज्य ने साउथ ईस्ट एशिया में अपना परचम लहराया था। एक टाइम पर श्रीलंका भारत का हिस्सा हुआ करता था, चोल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, थाईलैंड, कंबोडिया, अंकोरवाट का मंदिर आप जानते हैं, ये किसने बनाया, ये कैसे बन गया? आपको पता है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, सभी को पता है कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। आपको ये भी पता शायद हो ना हो कि असल में थाईलैंड की जो राजधानी है पुरानी, वो बैंकॉक से 40 से लेकर 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर था और उस शहर का नाम आज भी अयोध्या है। तो जब हम अपने बच्चों को ये स्टोरी समझाते हैं ना, ये अमर चित्रकथा की कहानियां सुनाते हैं कि हमने कभी किसी पे हमला नहीं करा, आपके ऐसे कौन से देवी देवता हैं जिनके हाथ में हथियार नहीं है, तो ये गलत चीज हमें नहीं बतानी चाहिए। ये जो शांति के लिए हमें इतना मोह है कि हम सब शांति से, प्रेम से, शांति और प्रेम से दोस्तों कोई काम नहीं होता। मैंने तो आज तक कोई काम शांति और प्रेम से होते नहीं देखा। और जो ऐसा कह रहा है वो बच्चों को गलत इतिहास पढ़ा रहा है। हाँ, महात्मा गांधी का योगदान जरूर था भारत की आजादी में, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर योगदान करोड़ों लोगों का था, योगदान करोड़ों लोगों का था। और सबसे बड़ा जो योगदान था भारत की आजादी में, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था। इसका कारण है, उसका कारण है। मैं सिर्फ आप यहां पे नेताजी का नाम सुन के आप लोगों में ऊर्जा भरा है, ये मेरा मकसद नहीं है। 60 से लेकर 65,000 की थी आजाद हिंद फौज, उसमें से 40,000 कट गए, उनका नाम तक नहीं पता आप लोगों को, उनका नाम तक नहीं पता। आपको पता है 1946 में एक इंडियन नेवल म्यूटनी हुई थी, अंग्रेज गया क्यों भारत से? जब हम कहते हैं ना भारत का लाज और गल, अंग्रेज भारत से गया क्यों? अंग्रेज भारत से इसलिए गया क्योंकि नेताजी ने जब आजाद हिंद फौज खड़ी करी थी और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो 20 से लेकर 30 लाख ट्रेंड फौजी भारत में घूम रहे थे, ट्रेंड, जिन्होंने सिर्फ हथियार चलाने की विद्या नहीं सीखी, उन्होंने यूरोप में, नॉर्थ अफ्रीका में, बर्मा में दुश्मन की जान ली थी। वो बैटल हार्डन्ड और ट्रेंड सोल्जर्स थे और वो 30 लाख घूम रहे थे सड़कों में, और उन सब को सिर्फ एक आह्वान सुनाई दे रहा था, वो था नेताजी सुभाष का। अंग्रेजों को यह बात पता चल चुकी थी कि अब मामला हाथ से निकल चुका है। तो ये भारत का कल रहा है। सबसे बड़ी बात कल के बारे में मैं आपको सिर्फ एक भी बात बताऊंगा कि आने वाली पीढ़ी को कभी ये गलत बात मत बताना, कभी भी नहीं। ये बहुत बड़ा पाप होगा हमसे कि आने वाली पीढ़ी को हम ये बताएंगे कि हम बड़े शांतिप्रिय लोग थे। शांतिप्रिय बकरा होता है, शांतिप्रिय शेर नहीं होता। और एक और बात मैं आपको कहता हूं, अंग्रेजी में कहते हैं ना पीसफुल, इसका कोई हिंदी में अनुवाद करे तो मैं आभारी हूंगा। पीसफुल और हार्मलेस में बहुत फर्क होता है। मैं आपका नुकसान कर सकता हूं, मैं आपका नुकसान नहीं कर रहा क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूं, लेकिन मैं आपका नुकसान कर सकता हूं। जो आपने सुना होगा ना, भय बिन होए न प्रीत, मैं बार बार यही कहता हूं। तो मैं जब दिल्ली में टॉक्स करता हूं तो इनको यही लगता है कि ये तो फौजी है, तो फौजियों के बारे में ऐसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा हिले हुए होते हैं फौजी। तो मैं इनसे क्या कहता हूं कि जब भारत के प्रधानमंत्री, आपने INS अरिहंत सुना है,
भारत की न्यूक्लियर सबमरीन आया है षडयंत्र, चाइना का गला सूख गया था जिस दिन आया ने षडयंत्र, पानी में गया था ना, उनको लगा कि अब हो गया। तो INS अरिहंत जो है, या आपका INS विक्रांत, जब भारत के प्रधानमंत्री किसी और देश के नेता से मिलने के लिए जाएं, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, उस दूसरे देश के नेता को इस बात का पता होना चाहिए कि पानी में कहीं INS अरिहंत है और हथियार लेके 12 लाख भारतीय सेना पीछे खड़ी है। देखिए ये कंसेप्ट है, एक आइडिया है, द आइडिया ऑफ इंडिया। काम डर से ही होता है, काम प्रेम से नहीं होता है। जब देश ये इंडियन आर्मी आपकी 1.5 मिलियन है, 15 लाख की सेना है आपकी पूरी आर्मी नेवी एयरफोर्स मिला के, ये आपने रिपब्लिक डे के लिए रखा किया नहीं ना। देखिए ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूं, हम कहते हैं कि भारत विश्व शक्ति बनेगा, सुपर पावर बनेगा, महाशक्ति बनेगा, कैसे बनेगा? आपने मदद करी, आपने वैक्सीन दी लोगों को कोविड में, बहुत अच्छा करा, करना भी चाहिए। आपने लोगों को खाना पहुंचाया, बहुत अच्छा, करना भी चाहिए, लेकिन आपको सेना भी पहुंचानी पड़ेगी। देखिए जो हम लोग कहते हैं ना इज्जत, इज्जत के दो भाग होते हैं, प्रेम और भय। प्रेम मिल गया, अब भय दिलाने की आवश्यकता है कि लोग डरें कि भारत आ रहा है, और यह भय बहुत जरूरी है। जब आप जाएंगे और दुनिया थर थर कांपेगी कि भारतीय सेना आ गई है, तब जाके आपको पता लगेगा, क्योंकि हमारा इतिहास यही है। यहां पे महाभारत लड़ी गई थी, चरखा तो बहुत बाद में चला यहां पे, और यहां पे अगर आप देखेंगे भारत का इतिहास या भारतीय सेना का इतिहास, आज की तारीख में भी, अभी भी 16 दिसंबर गया, याद है आपको 16 दिसंबर जब पाकिस्तान ने सरेंडर करा था? पाकिस्तान ने सरेंडर क्यों करा, मैं आपको इसकी भी कहानी बताता हूं। पाकिस्तान ने सरेंडर, पाकिस्तान के पास गोला बारूद हथियार ये सब थे अगले 30-40 दिन तक लड़ने के लिए। दे हैड द वेपन्स, दे हैड द एमुनिशन, दे हैड द मैन पावर टू फाइट, दे डिड नॉट हैव द विल टू फाइट, कलेजा नहीं था लड़ने के लिए, क्योंकि उनके अंदर इतना खौफ भर दिया था। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अभी जनरल नरावने का इंटरव्यू आया, हमारे फॉर्मर चीफ हुआ करते थे जनरल एमएम नरावने, उनका इंटरव्यू आया, उन्होंने बोला कि जिस दिन गलवान हुआ था उस दिन शी जिनपिंग का बर्थडे था, आपको पता है बात? जनरल नरावने ने बोला कि शी जिनपिंग जिंदगी भर अपना बर्थडे याद करेगा। देखिए ये बच्चों को ये बोलना कि बेटा बाहर सर्दी हो रही है तुम स्वेटर पहन लो, बेटा सड़क ना ध्यान से पा, क्यों बच्चे को ऐसा अपंग बना रहे हैं? उसको नहीं पता सर्दी हो रही है, उसको नहीं पता बस आ रही है, उसको ऐसा आप बना देंगे 25 साल के लड़के को या लड़की को ऐसा बना देंगे कि बिल्कुल। तो ये देखिए साहब, वीर रस की कविता ना जीनी पड़ती है, सुनानी नहीं पड़ती, ये जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं भारत में कौन कौन से हथियार आए हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुश्मन हथियारों से डरता है और आपकी नीयत से डरता है, राइट? बोफोर्स आया, तो बोफोर्स का कांग्रेस के समय पे बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, आपको पता होगा, बहुत स्कैम हुआ था कि पैसा वैसा खा लिया गांधी परिवार ने, ये कर दिया वो कर दिया, खैर केस वेस चला, रफा दफा हुआ मामला। और हमारे एक डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, रक्षा मंत्री ए के एंटनी साहब, नाम सुना होगा आपने, एंटनी साहब बड़े ईमानदार थे, और ये बात सच है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा आप लोगों से, वो एक्चुअली बड़े ईमानदार थे, पर एंटनी साहब का एक मूल मंत्र था लाइफ का बड़ा जबरदस्त, वो कहते थे ना काम करो ना गलती होगी। भाई दफ्तर ही नहीं जाते थे, उन्होंने बोला ना काम करो ना गलती होगी, दफ्तर ही मत जाओ, गलती नहीं होगी, कहानी खत्म। आपको पता है 30 से लेकर 35 साल तक भारत में बोफोर्स के बाद कोई नया हथियार नहीं आया, कोई नई आर्टिलरी गन नहीं आई, कोई नई तोप नहीं आई, और उसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि इतना खौफ था कि अगर कोई साइन कर देगा तो मौत आ जाएगी यार, कुछ साइन कर देगा नया हथियार तो बोले इसने चोरी करी, इसने पैसा खाया, डर के मारे किसी ने कुछ नहीं करा। कई लोग कहते हैं कि बोफोर्स की वजह से हम लोग कारगिल जीते,
हम भारतीय सैनिक की वजह से कारगिल जीते, ये तो मैं आपको एक कैप्टन केंगरूस करके था, सेकंड बटालियन राजपुताना राइफल्स का, बड़ा यंग कैप्टन था, नागालैंड का रहने वाला, मैं आपको उसकी बड़ी अच्छी कहानी सुनाता हूँ। तो कैप्टन केंगरूस क्या था कि वो स्कूल टीचर था नागालैंड में, वो बच्चों को पढ़ाता था बड़े यंग एज से स्कूल में। तो फिर उसको ऐसा लगा कि मैं जाके फौज में मैं जाऊँगा, फौज में मुझे अफसर बनना है, तो चला गया IMA, चला गया वो IMA, जाके फौज में अफसर बन गया, सेकंड राजरिफ में उसको भेज दिया, सेकंड बटालियन राजपुताना राइफल्स में वो चला गया। तो एक जगह थी ब्लैक रॉक, ठीक है, ब्लैक रॉक, तो उधर पाकिस्तानी, ये कारगिल की लड़ाई की बात है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट 1999 कारगिल। तो कारगिल की लड़ाई की बात है, ब्लैक रॉक पे पाकिस्तानी बैठे थे करीब 25-30, और हर एक इन्फेंट्री बटालियन में कमांडो प्लेटून होती है जिसको कहते हैं घातक। तो घातक वो कमांडो होते हैं इन्फेंट्री बटालियन के जो जाके हमला करते हैं। तो ये घातक प्लेटून का कमांडर था ये कैप्टन केंगरूस, तो उसको बोला कि तुम जाके ब्लैक रॉक पे हमला करो और वहां पे पाकिस्तानी हैं और सवेरे हमें वहां पे तिरंगा चाहिए। CO साहब ने हुक्म दे दिया, बोला ठीक है साहब, हो जाएगा। कैप्टन केंगरूस का नाम बड़ा टिपिकल था, नागा में नाम, और मुझे भी प्रोनाउंस करना नहीं आता उनका नाम। तो जो उनके ट्रूप्स थे वो 50% जाट थे और 50% राजपूत थे, राजस्थान हरियाणा के उत्तर प्रदेश के रहने वाले, तो उन्होंने उनका नाम नींबू साहब रख दिया था। तो वो कहता ठीक है तुम्हें नींबू बोलना, मेरे को नींबू बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो बोले साहब नींबू साहब अटैक करेंगे सवेरे। बोला हाँ चलो आज आप अटैक करेंगे। अच्छा, ब्लैक रॉक पे पाकिस्तानी, इन लोगों ने पाकिस्तानी पोस्ट पे यानी कि ब्लैक रॉक पे, हमारा एरिया था वो, उस पे हमला करना शुरू करा। तो पाकिस्तानियों ने क्या करा कि ऊपर से पत्थर ढकेलने शुरू करे, तो जब पत्थर ढकेले तो हमारे फौजी उसी में वीरगति को प्राप्त हो गए। बड़े बड़े पत्थर ऊपर से आते थे और 3-4 को ले जाते थे, फिर बड़ा पत्थर आया 3-4 को ले गए। अंधेरा, आपको नहीं पता सामने से क्या आ रहा है, गुप्त अंधेरा, ऊपर बादल, आपको चांद की रोशनी भी नसीब नहीं है, उसमें ये लोग लड़ रहे हैं। टॉर्च आप जला नहीं सकते, टॉर्च जलाएंगे गोली आएगी, आपको छुप के आगे जाना है और मारना है। तो कैप्टन केंगरूज ने एक रॉकेट लॉन्चर लिया, रॉकेट लॉन्चर पूरा 14 किलो का होता है, लोहा, बहुत मुश्किल है उसको ले जाना, उसको डाला कंधे पे और चढ़ना शुरू करा धीरे धीरे। हाइट कितनी थी, 16,000 feet अबव सी लेवल, ठीक है जी, याद रखिएगा जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ, 16,000 feet अबव सी लेवल, 9,000 के बाद सांस लेना मुश्किल हो जाता है, 9,000 feet अबव सी लेवल के बाद समुद्री तट के 9,000 feet ऊपर हाई अल्टीट्यूड हो जाता है, तो सांस लेना मुश्किल है। आप 5 कदम चलेंगे आपको लगेगा 5 किलोमीटर भाग कर आए। ये 16,000 feet पे लड़ रही सेकंड राजरिफ और अपने नींबू साहब रॉकेट लॉन्चर पकड़ के आगे आगे, ये आगे आगे चल रहे, और जैसे ही ऊपर जाएं तो स्लिप होकर नीचे आ जाएं क्योंकि जूते से पकड़ नहीं बन रही थी। हाइट 16,000 फुट और तापमान -25°C, -25°। दोस्तों आपके जहां पे फ्रिज में बर्फ जमती है ना, वो -3 -4 होता है, ये -25 पे खेल रहा ऊपर 16,000 पे। फिर ऊपर जाए, इसने 4-5 कोशिशें करी और बार बार पीछे आता गया। इस अफसर ने पता है क्या करा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसने 16,000 फुट -25 degree पे इसने अपने जूते उतारे, इसने अपने मोजे उतारे और नंगे पैर पाकिस्तानी पोस्ट पे असॉल्ट करा। प्लेटून साफ हो गई इसकी पूरी, कैप्टन केंगरूज भी वीरगति को प्राप्त हो गया, उनको महावीर चक्र मिला। लेकिन अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस यार, सीओ को बोला था ना सर तिरंगा होगा, तो था सर। और उस समय थोड़ा सा हम लोग पीछे चूक गए, हमारी लड़ाइयां ज्यादातर डिफेंसिव रही हैं और हमने हर समय जवाबी कार्रवाई करी है।
हमारी जवाबी कार्रवाइयों की वजह से ही लोग हमें कमजोर समझते हैं और बुजदिल समझते हैं, क्योंकि जब हमें पुलवामा में अटैक करा गया और 40 सीआरपीएफ के हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुआ, आपने सुना होगा पुलवामा में, फिर हमने बालाकोट करा, या फिर जब उड़ी में हमारे भाइयों को मारा गया, वीरगति को प्राप्त हुए, फिर हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, इसीलिए लोग मुझे कहते हैं कि जहाँ पे मैं जाता हूँ लोग कहते हैं कि इसका कोई ऊपर वाला माला हिला हुआ है, लेकिन दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि अगर आप पहले बालाकोट कर दो ना तो पुलवामा होगा ही नहीं। पाकिस्तान को मारना इसका मतलब ये नहीं कि हमारी दुश्मनी है, राइट? जैसे आपके घर के सामने लॉन है और आप घास काटते हैं, इसमें घास की कोई गलती नहीं है, पर आप लॉन सुंदर लगता है आपका, आप घास काटिए हर हफ्ते, और आप पाकिस्तान को तब तक मारते रहिए जब तक वो अपने घुटनों पर ना आ जाए, और जिस जब वो घुटनों पे आए तो फिर दोबारा मारिए। देखिए मैं आपको बताता हूं क्यों, उसका कारण है, उसका आपको कारण मैं आपको बताता हूं। मैं यहां पे और सबसे ज्यादा शांति को मानने वाला मैं ही हूं, क्योंकि मुझे पता है कि शांति हासिल कैसे होती है। शांति हाथ जोड़ के विनम्रता से हासिल नहीं होती है, शांति के लिए खून बहाना पड़ता है, अपना नहीं दुश्मन का, अपना खून बेकूफ बहाते हैं, दुश्मन का खून। तो जब आप दुश्मन का खून, देखिए यही बात हुई थी जब शुरू शुरू में मोदी जी आए थे, तो एक अंडरस्टैंडिंग थी भारतीय सेना की, ये किसी ने बोला नहीं है, किसी के शब्द नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग थी। और अंडरस्टैंडिंग क्या थी? अंडरस्टैंडिंग ये थी दोस्तों कि खून तो बहेगा, उनका बहेगा या हमारा बहेगा ये तय हमें करना है। तो भारतीय सेना ने सोच लिया कि आज के बाद उन्हीं का बहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, एक नीलम झेलम डैम है, मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था, तब मैंने बताया था, एक नीलम झेलम डैम है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जिसको बड़े फख्र के साथ ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां पे एक नीलम झेलम डैम है। इंडियन आर्मी बीच में इतनी अग्रेसिव हो गई कि इन्होंने नीलम झेलम डैम पे बोफोर्स मार रखी है। इन्होंने पूरे पहाड़ के पहाड़ जिस पर बर्फ थी ना, शाम को शेलिंग शुरू हुई, एक पूरा पहाड़ है, आप सोचिए आपके सामने पूरा पहाड़ है, सफेद पहाड़, बर्फ, पूरी सफेद बर्फ, प्योर वाइट, ठीक है। रात भर इंडियन आर्मी ने फायरिंग करी, अगले दिन जब उन्होंने पहाड़ देखा पूरा काला, बारूदी बारूद। तो आप जब अपने दुश्मनों को और अपने दोस्तों को, दुश्मनों को भी और दोस्तों को भी, जब आप ये यकीन दिला देंगे कि आप उनका ऐसा नुकसान कर सकते हैं कि वो जिंदगी भर पैरों पे नहीं खड़े हो पाएंगे, तब वो प्रेम भी करेंगे और वो इज्जत भी करेंगे और लाड भी करेंगे आपसे, ठीक है। अभी बोला कि साहब हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो तो हमें बाहर से लेना पड़ेगा, तो मना कर दिया, क्योंकि हमें, हमारे पास तेजस है और हम इस्तेमाल करेंगे तेजस, तब 10 देश और इस्तेमाल करेंगे। आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि खुद के जहाज आप ना इस्तेमाल करें और बोले कि दुनिया को कि तुम खरीद लो। तेजस बना यहां पे धनुष बना, इसके अलावा हमने अपाची हेलीकॉप्टर गनशिप्स, राफेल एयरफोर्स के लिए, राफेल नेवी के लिए, ड्रोन्स, गार्डियन ड्रोन्स, ये लेके धीरे 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 इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स की जो क्षमता है लड़ने की। और क्या होता है ना कि दोस्तों, ऐसा होता है कि आप कितनी दूर से दुश्मन को मारते हैं, एक जमाने में यह था कि पास जाके पत्थर से मारते थे, फिर बोला भाले से मारेंगे, फिर तीर कमान आया, फिर घोड़े आ गए, तो फिर उससे ये पता लग गया कि साहब क्योंकि घोड़े, फिर आप और डिस्टेंस जो है फासला, फिर तोपें आ गई, फिर मिसाइलें आ गई, तो अलग अलग चीज आ गई। अब जैसे ड्रोन्स हैं, तोप का गोला, चाहे आपने रॉकेट मारा, चाहे 2000 किलोमीटर मारा, लेकिन एक बार आपने रॉकेट मार दिया, एक बार वो चला गया, फिर तो पहुंचेगा ना वहां पे, वो यहां से फायर कर दिया तो थैंक यू बोलेगा वहां पे जाके। अब प्रॉब्लम इस रॉकेट के साथ ये है कि ड्रोन्स में ये फायदा है कि ड्रोन्स आपके ऊपर ऐसे अटके हुए हैं, 25-30 घंटे वो हवा में घूम रहा है, ऐसे लटका हुआ है, बस आप जब बोलेंगे तब फायर करेगा,
और वो फायर करेगा 50,000 फुट ऊपर से, और उसकी क्षमता ऐसी है कि एक हेलफायर मिसाइल को एक 2 बेडरूम का घर है उसकी छोटी सी खिड़की के अंदर डाल सकता है 50,000 फुट से। ये ड्रोन 32 आ रहे हैं भारत में, 32 पहले से हैं, 3 अभी 32 और आ रहे हैं, तो ये क्षमता है। अच्छा, तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको ना कल बोलते हैं कि कल हम भारत कल आज और कल, ये जो आने वाला कल है उसकी बात अभी गया कल वो बता दिया मैंने आपको। उस कल में क्या है मैं आपको बताता हूँ, बड़ी जरूरी चीज है मिलिट्री डिप्लोमेसी की, और ये मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे यंग फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझें मिलिट्री डिप्लोमेसी। एक जमाने में जो डिप्लोमेसी थी वो फॉरेन ऑफिस वाले करते थे, आज भी फॉरेन ऑफिस वाले करते हैं, पर आपने एक बात देखी है, आप आजकल फोटोग्राफ देखिएगा, आपको फोटोग्राफ में बड़ी एक नई चीज दिखाई देगी, बड़ी अजीब चीज दिखाई देगी। एक जमाना था प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एक साथ रहते थे, देखा आपने, प्रधानमंत्री जब भी किसी से जाते हैं हेड ऑफ स्टेट से मिलने के लिए, कहीं पर बाहर गए अमेरिका, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री। मोदी जी का नया प्रोग्राम है, बीच में मोदी जी, इधर डॉक्टर जयशंकर, इधर अजीत डोवाल। अब इससे क्या होता है कि दूसरे को पता है कि कौन है ये, और आपने कभी डोवाल साहब को बोलते भी नहीं देखा होगा। यूपी में हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, भौकाल। इनका भौकाल इतना टाइट है कि ये जब भी जाते हैं आप देखिएगा कि यहाँ मोदी जी ऐसा चले बीच में, ये डॉक्टर जयशंकर हो गए, ये अजीत डोवाल, डॉक्टर जयशंकर बोलेंगे, मोदी जी बोलेंगे, तो वो यार ये भाई साहब क्यों नहीं बोल रहे, चुपचाप बैठे हैं कोने में, वो सिर्फ बैठे हैं वहाँ पे कोने में, सिर्फ देख रहे हैं, कुछ नहीं, 2 दिन बैठे हैं, कुछ नहीं, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, कभी हाय हेलो हो गई बस, इसके अलावा कुछ नहीं। ये कौन सा है? ये वही चीज़ है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, हम कहते हैं ना भाई बहन हो ना प्रीत, एक प्रीत है और एक भय है। ये डॉक्टर जयशंकर प्रीत हैं और ये डोवाल साहब भय हैं। तो फिर मोदी जी कहते हैं कि तुम्हें जिससे बात करनी है तुम कर लो, ये प्रीत हैं, ये भय हैं, जिससे जिससे काम चल जाए तुम्हारा। तो अब धीरे धीरे लोग कह रहे हैं कि इनको सम्मानित करो और सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार दो। इसके पीछे भारत की इज्जत तो है, बिल्कुल है, इसमें नो डाउट मोदी जी की इज्जत है, पर कहीं ना कहीं भय भी है, एक डर है कि पता नहीं क्या करेंगे लोग। मैं बात कर रहा था एक बड़े सीनियर इजरायली अफसर से, उसने एक्चुअली मुझे बात, मैं नाम उनका नहीं लूंगा, ही स्टिल इन सर्विस, उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि हमारे दुश्मन हमें पागल समझें। कह रहे आप कभी पहलवान से आप हाथ पैर जोड़ के माफी मांग के आप निकल सकते हो, पर जो पागल है जिसके हाथ में ईंट है उससे आप माफी मांगोगे वो तो मारेगा। तो कहते हैं कि हाँ। तो मैंने बोला सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं ये सच है, कह रहे सारे जितने भी ईरान है, हमास है, हिजबुल्ला है, इन सबको लगता है कि इसराइल पागल है, इन लोगों ने मारा। अब आपने देखिए इन लोगों ने अटैक करा 7 अक्टूबर को, अटैक करा ना इन लोगों ने, इसराइल ने मार मार के मैदान बना दिया गजा का, और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो मुझसे पूछ रहे थे कि इसराइल कब रुकेगा, मैंने बोला जब थक जाएंगे तब रुक जाएंगे, अभी तो ये थके नहीं है, ये मारते रहेंगे, और ये बहुत जरूरी है इसी प्रकार का। तो जब मैं तो इस चीज में बता रहा हूं जो कल वाली फिलॉसफी है ना, कल कि व्हाट शुड वी डू टुमारो, तो मित्रों मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर देखिए हम लोग ना, और मैं आपको कंसेप्चुअल बात बता रहा हूं, शायद आपको मेरी बात समझ ठीक लगे ना लगे, आपने हाफिज सईद का नाम सुना है, मौलाना मसूद अजहर का नाम सुना है ना, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे दुश्मन नहीं, हम लोग कहते हैं इसको मारो उसको, ये हमारे दुश्मन है ही नहीं, ये बच्चे हैं छोटे छोटे, इनके साथ दुश्मन ही नहीं, हमारा जो दुश्मन है वो पाकिस्तानी आर्मी है, जनरल आसिम मुनीर, ठीक है, वो है सांप का सर आसिम मुनीर, ये बाकी ये छोटे छोटे हैं, ये उसके बच्चे हैं, ये आसिम मुनीर के। तो हम इनको मार के यही चीज हमने बढ़िया करा, जो बालाकोट का ऑपरेशन करा, बहुत शानदार करा बालाकोट का ऑपरेशन, लेकिन बालाकोट में मारे कौन आतंकवादी, आतंकवादी तो मारने ही नहीं है हमें, पाकिस्तानी सेना के लोग। जब देखिए ऑपरेशन हुआ कश्मीर में, मैं आपसे पूछता हूं और आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा, अगर आपको मेरी बात लॉजिकल लगे, और लॉजिकल नहीं लगे फिर भी आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा, ठीक है।
कश्मीर में ऑपरेशन होता है, हमारे एक कर्नल की जान चली जाती है, एक मेजर की जान चली जाती है, कप्तान की जान चली जाती है, ठीक है। और ऐसा हो भी चुका है पास्ट में, हम 5 आतंकवादियों को मारते हैं और हम कहते हैं कि हमारा बदला पूरा हो गया। क्या भारतीय सेना का एक कर्नल एक आतंकवादी मारा है? कर्नल के बदले में कर्नल चाहिए। देखिए ये जो सिलसिला है कश्मीर में खून खराबे का, ये कब रुकेगा? मैं तो बोल चुका हूँ ये चीज़, फिर ये इन लोगों को लगता है कि पता नहीं क्यों बोलता है ऐसी क्या बातें, बट मैं इस चीज़ पे विश्वास करता हूँ कि कश्मीर में ये जो मौत का तांडव है तब रुकेगा जब पाकिस्तान के गांवों में उनके फौजियों की लाशें जाएंगी, तब उनको पता लगेगा कि खौफ क्या होता है, भय क्या होता है। क्योंकि आप हमारे देश में घुस के आप हमारे लोगों को मार रहे हैं, और ये अपनी कभी सेना को नहीं भेजते, ये लोग आतंकियों को भेजते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आतंकी मर भी गया तो क्या होगा, 2-3 लाख रुपए दे देंगे उसके परिवार को, कहानी खत्म, सस्ते में काम, खुद लड़ने की हिम्मत नहीं है ना? तो हम लोग आर्मी में कहते हैं दोस्तों कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, हर एक चीज का एक दाम होता है और हर एक चीज का एक कॉन्सिक्वेंस होता है, उसका नतीजा क्या है। आप मेरे घर में घुस के आप आए और मेरे घर में आपने तोड़फाड़ करी और मैंने आपकी पिटाई करी, मेरा हिसाब बराबर नहीं हुआ, मुझे पिटाई भी करनी है, मुझे आपके घर में डबल तोड़फोड़ करनी है, घर में आग लगानी है, पुलिस के थ्रू आपको जेल में डलवाना है और फिर अपने घर में पार्टी देनी है, तब जाके हिसाब पूरा होगा। ये ऐसे बुरा नहीं है। तो ये जो चीज है ना कि हम लोग कहते हैं अच्छा इसको मार दिया, इस आतंकवादी को मार दिया, आतंकवादी जो बना रहा है उसको मारो, आतंकवादी को मत मारो, जो आतंकवादी पैदा कर रहा है। और ये उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूं कि जैसे आपके घर में एक बेडरूम है ना, और बाथरूम से नल खुला है और नल का पानी बह रहा है और आपके बेडरूम में पानी आ रहा है, तो आपने पोछा लगा दिया वाइपर से, आपने उसको दूर कर दिया, तो फिर पानी तो आता रहेगा, आपने फिर पोछा लगाया तिबारा चौबारा, लेकिन वो पानी फाइनली कब रुकेगा? जब आप जाके नल बंद करेंगे। वो नल पाकिस्तान में, वो नल श्रीनगर में नहीं है, आपको वहां पे जाके वो नल बंद करना पड़ेगा, और नल है फौज के हाथ में, ये आपको करना ही पड़ेगा। जिस दिन आपने ये कर दिया, देखिए ये लोग क्या कहते हैं पाकिस्तानी, इन्होंने कारगिल पे हमला करा, आपको पता है कारगिल की लड़ाई 1999, मेरे भी कई दोस्त वीरगति को प्राप्त हो गए कारगिल में, ठीक है, उनमें से मेजर पद्मापानी आचार्य थे, वो मेरे सीनियर हुआ करते थे एकेडमी में, उनकी जान चली गई, और जब वो वीरगति को प्राप्त हुए तो उनकी वाइफ थी, वो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, ठीक है ना। पर क्या पाकिस्तान ने कारगिल का हिसाब चुकता करा? अगर आपको लगता है चुकता करा तो आप बोलिए करा। आपने पाकिस्तान के लिए क्या करा? पाकिस्तान के ऊपर आपने क्या करा? कुछ नहीं करा। आपने उनको भगा दिया, लेकिन क्या ये आपका एम था कि आप पाकिस्तान को भगा दें? नहीं, मैं यही कह रहा हूं, जब आप इतने खौफनाक बन जाएंगे कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ आपके चर्चे होंगे कि भाई साहब उधर मत जाना, क्योंकि हम गलती नहीं भी करते फिर भी मारते हैं, तो समझ लो जब गलती करेंगे तब कितनी मार पड़ेगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आखिरी में मैं बस ये कहना चाहता हूं कि देखिए पूरी नए हथियार आ रहे हैं, थिएटराइजेशन की बात हो रही है, और ये कॉन्सेप्ट आपका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में हो रहा है। थिएटराइजेशन क्या है, जॉइंटनेस क्या है? थिएटराइजेशन और जॉइंटनेस सिर्फ ये है, एबिलिटी ऑफ द आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स टू फाइट टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। आर्मी नेवी और एयरफोर्स एकजुट होकर लड़ सके, तो उसके थिएटर कमांड्स बन रहे हैं। एक थिएटर कमांड में अगर उसका हेड होगा इंडियन आर्मी का, तो उसके नीचे नेवी और एयरफोर्स के भी लोग होंगे, और कहीं अगर इंडियन नेवी का होगा तो उसके अंडर आर्मी और नेवी के भी लोग होंगे, एयरफोर्स के भी होंगे, तो एक कमांड्स बन रहे हैं अलग अलग, जिससे कि और मजबूती से भारतीय सेना लड़ सके। तो दोस्तों ये जो पूरी बात है ना, मैं एक समय था, अभी तो मैंने आपको भैविन होए न प्रीत के बारे में बात बताई है, एक समय था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। आपने रिजांगला की लड़ाई के बारे में सुना है? कितने लोगों ने सुना है, हाथ खड़ा करिए रिजांगला के बारे में।
बहुत कम लोगों ने, 7-8 लोगों ने, बात यह है 18 नवंबर 1962 की। और इन जो पोस्ट्स का आप नाम सुनते हो ना आजकल, दौलत बेगोल्डी, ट्रैक जंक्शन, आपने सुनोगे ये सब नाम, एक के बाद एक ये चीनी फौज के सामने गिर रहे थे, एक के बाद एक। और चीनी फौज आगे बढ़ रही थी, हिंदुस्तानी फौजियों को मारते 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 ये लोग रिजांगला पहुंचे। रिजांगला में इनको मिली चार्ली कंपनी 13वीं बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट की। 122 लोगों ने, हमारे 122 फौजियों ने 3000 चाइनीज के साथ लड़ाई लड़ी एक पूरी रात, और 114 वीरगति को प्राप्त हुए। 24 घंटे के अंदर चाइना ने सीज फायर कर दिया। ये रिजांगला की लड़ाई है, मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला था। तो मेरे मित्र हैं, वो गाने लिखते हैं, आपने उनका नाम सुना होगा, मनोज मुंतशिर। हाँ, तो शुक्ला जी गाने वाने लिखते हैं बड़े पिक्चरों के, उन्होंने गाना भी लिखा था, वो केसरी का गाना उन्होंने ही लिखा था जो बड़ा मशहूर हुआ था, तेरी मिट्टी। तो उनकी एक कविता है, कविता की दो पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगा, फिर मैं एंड करूंगा अपना। वो कहते हैं कि जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े थे, जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे, सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, यानी कि हमारा सर, सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, देखा जब हम निहत्ते मैदान में खड़े। तो दोस्तों, ये कहानी है बीते हुए कल की भारतीय सेना की। भारतीय सेना पत्थरों से भी लड़ी, आपको पता है 1962 में वी हैव फॉट विद रॉक्स एंड स्टोन्स, द चाइनीज हैड ऑटोमेटिक वेपन्स एंड वी हैड जस्ट स्टोन्स, पत्थरों से लड़े हम, सामने से ऑटोमेटिक हथियार खुल गया, यहाँ पर पत्थर ले गए, और जब पत्थर भी खत्म हो गए तो 4-5 फौजी एक साथ, इतना जोश, इतना जज्बा, इतना जुनून कि ऑटोमेटिक फायर निहत्ते उसके अंदर। ये कोई भी तनख्वाह के लिए नहीं करता दोस्तों, नाम नमक निशान, किसका नाम, देश का नाम, रेजिमेंट का नाम, पट्टन का नाम, नमक देश का, रेजिमेंट का, निशान, निशान मतलब झंडा, तिरंगा रेजिमेंट का झंडा। ये बात आपको याद रखनी है, भारत का जो कल है ना, आने वाला कल दोस्तों, वो तभी होगा जब भारत शक्तिशाली होगा, मिलिटरीली शक्तिशाली, इकोनॉमी से, अर्थव्यवस्था से शक्तिशाली, और सैन्य शक्ति से शक्तिशाली। बहुत जरूरी है कि लोग आपसे, आप भय हो लोगों को आपसे, ये प्यार, साबरमती के संत, चरखा, देखिए ये सब बच्चों को सुनाने की कहानियाँ होती हैं, असल जिंदगी में दे हैव नो मीनिंग। असल जिंदगी में तभी होता है जब मोदी जी चलते हैं एक तरफ डॉक्टर जयशंकर और दूसरी तरफ अजीत डोभाल। जय हिंद।